हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस लाइव पर। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को, भाइयों को, बहनों को, एसडी कैंपस परिवार और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन को आप सभी मनाएँ कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से। तो मैं सभी भाइयों से और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी भाई अपनी बहनों को इस रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपहार दें जो उनके करियर में उनकी हेल्प करे, उनके करियर को बनाए। जो वो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो वो कर पाने के लिए जो भी सुविधाएं या जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो मुहैया कराने में वो उपहार उनकी हेल्प करे। जैसे अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको आप एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी स्पोर्ट में जाना चाहती हैं तो उस स्पोर्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट आप उनको मुहैया कराते हैं। जैसे बैडमिंटन खेलना चाहती हैं तो बैडमिंटन ला के दे दें, या क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो एक बैट बॉल ला के दे दें। तो जो भी गेम खेलना चाहती हैं या जीवन में जो भी करना चाहती हैं तो उसके लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से कोई भी आर्टिकल ला के उपहार में दे दें, जिससे उनके करियर में कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल सके और उनमें भी अंदर एक उम्मीद जगे कि हाँ, हमें जीवन में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। हमारे इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें अपनी जो उनके करने के उनका मन होता है उसे उनके अंदर ही दबा रह जाता है, उनका टैलेंट उनके अंदर ही छुपा रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम भाई और हमारे जो गार्जियन हैं वो उनके टैलेंट को निकालना नहीं चाहते, उनके टैलेंट को उभारना नहीं चाहते। तो हमारा देश, हमारी सरकार, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा डिसीजन दिया है कि एनडीए में और आर्मी में भी अब फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो ये बहनों के लिए रक्षाबंधन का बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा सम्मान है कि आज हमारी बहनाएं देश के लिए भी लड़ेंगी और देश के लिए भी, देश को सेवा करने का उनको मौका इस रक्षाबंधन के अवसर पर मिला है। तो ये रक्षाबंधन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत अच्छे से सभी बहनों को बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस रक्षाबंधन पर सुप्रीम कोर्ट से भी गिफ्ट मिला है। बहुत अच्छी बात है ये, और इस डिसीजन की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि ये डिसीजन ऐसा लिया गया। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट और सब नारी उत्थान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम एक छोटी सी शुरुआत अपने घर से करें और अपनी बहनों को एक ऐसा उपहार दें जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, प्यार लेकर आए, सम्मान लेकर आए। तो सभी भाइयों से और सभी गार्जियनों से मेरा अनुरोध है कि इस रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को एक ऐसा उपहार दें जो उनके जीवन में कुछ काम आए, वो अपने जीवन में जो करना चाहती हैं वो कर पाएं। ठीक है, तो बस मैं आज यही इस रक्षाबंधन के प्लच पर यही कहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, सही रहें, सुरक्षित रहें।